बच्चों, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नेम है डिमांड। राइट, ये आपका जो टॉपिक है डिमांड, ये बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होकर बनेगा बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, ये सारी फर्दर डिस्कशन तो हम बाद में भी करेंगे। अभी क्लास 11th के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपसे पूछा जाता है माइक्रो का, दैट इज डिमांड। सर, डिमांड क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, तो डिमांड का मतलब मेरे हिसाब से जो होता है, आपके अकॉर्डिंग डिमांड क्या है बेटा? डिमांड होती है एक कुछ भी आइटम की नीड मार्केट पर। किसी आइटम की नीड मार्केट में। बेटा डिमांड का मतलब एक ऐसी क्या है बेटा, सिचुएशन है जिसमें एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर गुड्स को परचेज करता है। राइट, दैट सिचुएशन इज नोन एज क्या बेटा, डिमांड। डिमांड का मतलब है जब आप एक मार्केट में जाकर बोलते हो कि यार मुझे ये गुड्स खरीदनी है क्योंकि ये गुड्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इट मीन्स आप उस गुड्स की क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। राइट, डिमांड हमेशा करता कौन है बेटा, एक कंज्यूमर करता है, डिफरेंट प्राइस पर करता है, और करने के लिए कोई सामान का होना जरूरी है। तो मतलब जहां बेटा ये सारी सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट कर जाए तो समझ जाना वो किसको क्रिएट कर रही है बेटा, डिमांड को। याद रखना, डिमांड में और प्राइस में जो रिलेशन होता है ना, प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है बेटा, इनवर्स। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर इन्वर्स का मतलब क्या है, अरे मेरे भाई इन्वर्स का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, अगर हमारा प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी। तो मतलब आपको एक बुनियादी बात तो समझ आ रही है कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो कैसे है बेटा, इन्वर्स है। राइट, जो मैं ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ आप शॉर्ट में नोट भी करते जाना ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ आए। मैंने भी जस्ट डिमांड का मतलब समझाया, डिमांड का मतलब मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ आ जाए। डिमांड का मतलब बेटा एक ऐसी सिचुएशन से है जहां एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर गुड्स को खरीदने का प्लान करता है, और प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है बेटा, प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताना बेटा, आप कंज्यूमर होने के नाते मुझे एक बात समझा सकते हैं क्या कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बात आप मानते हैं नहीं मानते हैं? बेटा ऐसी हजारों बातें हैं जिसकी वजह से कई बार आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ भी जाती है और कई बार मार्केट में डिमांड। तो बुनियादी क्वेश्चन यही है कि सर व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्ट, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड, कौन से वो कारक हैं, कौन सी वो बातें हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसमें बेटा सबसे पहला पॉइंट जो आपने शायद सुन भी लिया और पता भी लग गया होगा, दैट इज प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन क्या बेटा, कॉमोडिटी। आपको इतना तो मालूम ही है कि सर किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो मार्केट में उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कभी किसी चीज का कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो मतलब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है बेटा वो कैसा है, इनवर्स। सर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कौन सा है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, आपने शायद सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोल दिया, इनकम ऑफ क्या बेटा। मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम कभी बढ़ जाए, अगर कभी आपकी पॉकेट में पैसा ज्यादा आ जाए, और मैं इनकम को बेटा वाई से डिनोट कर रहा हूँ, राइट, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो जो नॉर्मल गुड्स होती है, नॉर्मल गुड का मतलब समझते हो, अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स, तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करोगे? नहीं सर, नहीं। आपकी पॉकेट में अगर इनकम ज्यादा आ जाए तो अच्छी गुड्स को आप ज्यादा प्रेफरेंस करोगे, आपको लगेगा कि प्राइस कोई मैटर नहीं कर रहा है, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं अच्छी चीजों को प्रेफरेंस दूंगा। तो इनकम के बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। बट इनकम बढ़ने के साथ आपकी जो इंफीरियर गुड होती है, जो लो क्वालिटी गुड्स हैं, जो घटिया गुड्स हैं, जो बेकार हैं, उसकी बाजार में डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। बेटा अगर इसका रिवर्स हो जाए, मान लो मार्केट में इनकम क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, लोगों के पास पैसा ना आए, तो इस सिचुएशन में बेटा वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करेगा और इन्फीरियर की क्या करेगा,
ज्यादा करेगा। मतलब आपको इस मेरे इस पॉइंट से एक बात तो समझ आ रही है कि इनकम के बीच में और नॉर्मल गुड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है बेटा, और इनकम के बीच में और इंफीरियर गुड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब पूरे चैप्टर में रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है बेटा। अगर ये रिलेशन की कहानी समझ आ गई तो ग्राफ आपके बिल्कुल सही प्लॉट होंगे बच्चों। तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले अभी तक मैंने दो ही पॉइंट बताए हैं, जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इनकम ऑफ क्या बेटा, कंज्यूमर। बेटा तीसरा फैक्टर, तीसरा पॉइंट जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है आपने फील भी करा होगा, दैट इज फैशन। होता है ना मार्केट में बेटा, का लेटेस्ट फैशन आ जाए मार्केट में, अगर कोई न्यू फैशन आ जाए तो भाई साहब न्यू फैशन आने की वजह से मार्केट में गुड्स, ऐसे ही गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मार्केट में अगर फैशन कैसा आ जाए बेटा, ओल्ड फैशन के आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान ले तेरा बर्थडे है, तूने बोला सर मेरा बर्थडे है, मैंने कहा ठीक है बेटा खुश रहे, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। तू बोलेगा सर शुभकामनाएं तो ठीक है, गिफ्ट कहाँ है, मैंने बोला यार चल तेरे को गिफ्ट दे देता हूँ, ऐसा कर तू 1400 रुपये का जियो का वो टिक टिक वाला जो फोन आता है ना कीपैड वाला वो गिफ्ट ले ले। तू क्या बोलेगा, तू मुस्कुरा के बोल देगा सर थैंक यू सो मच आपका गिफ्ट, आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा उसका जो फैशन है वो कैसा है, ओल्ड है। और मैं तेरे को फोन आईफोन दे रहा हूँ बेटा बढ़िया, तू क्या करेगा, बहुत अच्छा सर आप जैसे कहाँ टीचर मिलते हैं, मिल जाओ एक बार, बार बार मिलो, क्योंकि न्यू फैशन की लोग डिमांड क्या करते हैं और बेटा ओल्ड फैशन की डिमांड क्या करते हैं। मतलब फैशन वो रिलेवेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड को हिला रहा है, हमारी डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। समझ आ गया बेटा। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड क्या बेटा, ये बात तो भाई आप लोग दिल और दिमाग में सेट कर लो कि हर एक कंज्यूमर का अपना एक टेस्ट होता है भाई, आपका एक टेस्ट है, मेरा एक टेस्ट है। मैंने बोला यार मैं शूज लूंगा तो भाई एडिडास के लूंगा, लोकल एरे गेरे नथु गेरे के भाई मैं ब्रांड नहीं पहनूंगा, मुझे एडिडास ही पहनना है, तो भाई साहब मैं एडिडास की मार्केट में डिमांड क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। और अगर मेरा फेवरेबल टेस्ट बाजार में नहीं मिलता तो मैं डिमांड क्या करूंगा, कम करूंगा। मतलब अगर बेटा मुझे फेवरेबल टेस्ट मिल गया तो मैंने डिमांड गुड्स की क्या कर दी, और अगर अनफेवरेबल टेस्ट मिलेगा तो डिमांड में क्या करूंगा बेटा। मेरी बात समझ आ रही है, ये पॉइंट छोटे छोटे नोट करते जाना। पहला पॉइंट मैंने बताया प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया इनकम ऑफ कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया फैशन, फोर्थ पॉइंट कौन सा बोला बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेटा पॉइंट नंबर 5वां, शायद आपने सोचा भी होगा और देखा भी होगा और समझा भी होगा, पॉपुलेशन। आपको लगता है कि पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है, ऑब्वियस है बेटा, अगर मार्केट में ग्राहक बढ़ जाए, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो हमारी डिमांड करने की कैपेसिटी क्या होगी, और बेटा पॉपुलेशन का साइज छोटा होगा तो डिमांड भी क्या होगी बेटा। मतलब ये कहते हैं ना भाई, तुम मान लो घर में दो बंदे हो, अगर 10 बंदे आ जाएं, गेस्ट आ जाएं, तो घर में गुड्स की डिमांड, और सब चले जाएं तो डिमांड। मतलब बेसिक सी चीज है, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ बायर्स कम हो गए तो डिमांड भी क्या हो गई, कम। तो बेटा अभी तक मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, इन 6 पॉइंटों में कोई दिक्कत है, फटाफट से नोट करो। ये वो सभी फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, चाहे वो दोस्तों इनकम हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो रिलेटेड गुड्स हो जो कि मुझे बताना है अभी, चाहे वो इनकम हो, ये सभी वो फैक्टर्स हैं दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कमोडिटी। नोट हो गया। चलिए सर हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ, पॉइंट नंबर 5 हो गया था, पॉइंट नंबर 6 दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ कौन सी गुड बेटा, अब आप कहोगे सर ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है भाई, व्हाट इज रिलेटेड गुड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिलेटेड गुड्स बेटा दो तरीके की होती है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट गुड। तो सुना है क्या आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड बताओ। एक साथ में एंड श्योर बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच इज ऑलवेज यूज कैसे बेटा, टूगेदर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स। मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो गुड जिन्हें कंज्यूमर कभी सेपरेटली यूज नहीं करता, वो गुड जिन्हें कंज्यूमर अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए भाई साहब एक साथ यूज करेगा, अलग अलग इस्तेमाल
नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने बहुत जबरदस्त एक नई BMW खरीद ली, भाई साहब बहुत अच्छी गाड़ी है BMW, बट मेरे को खरीदने के लिए मेरे को क्या वहाँ मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब अगर पेट्रोल नहीं है BMW है तो क्या मैं ड्राइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ये दोनों गुड एक दूसरे पर म्यूचुअली क्या है, डिपेंडेंट है। भाई साहब इसका इस्तेमाल जब ही होगा जब अवेलेबल ये होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एक बहुत बढ़िया पेन दे दिया मैंने, बट उस पेन के अंदर बेटा क्या नहीं डली हुई है, तो उस पेन का कोई यूज नहीं है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड अप्लाइंसेस, आपके पास एसी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बट आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, तो भाई साहब आप उसके यूज नहीं करोगे। मतलब बड़ी बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो है जो कैसे यूज होती है बेटा, टुगेदर। और ऐसी गुड्स टुगेदर यूज होती है, और इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है बेटा, इनवर्स का मतलब है। अगर कभी प्राइस ऑफ पी मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगा तो मार्केट में कार की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो मार्केट में कार की डिमांड क्या होगी। इसलिए मैंने इनके बीच में रिलेशन कैसा बोला, इनवर्स। क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ आ गई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बच्चों दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो एक साथ इस्तेमाल होंगी, कभी सेपरेट नहीं होंगी। बच्चों दूसरी गुड कौन सी बोली बने, सब्स्टिट्यूट गुड बेटा, वो गुड्स होती हैं जो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं। आपने बहुत सारे क्रिकेट मैच देखे होंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर किसी प्लेयर को कोई चोट लग जाए तो दोबारा सब्स्टिट्यूट आ जाता है ना, ताकि वो मैच जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। ऐसे ही बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। अगर आपको एक गुड्स अवेलेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप गुड्स ही ना लो, उस जैसा बाजार में दूसरा ऑप्शन होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने बोला सर मुझे टी पीना है, मैंने बोला यार सॉरी टी तो नहीं है मेरे भाई, तूने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर कॉफी तो है ना उसकी मौज ले लूंगा, तूने बोला सर ऐसा है पेप्सी पीना है, मैंने बोला सॉरी यार पेप्सी नहीं है मेरे पास लिमका है, तो तू क्या बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है, इसकी जगह मैं ये भी ले सकता हूँ। तूने बोला सर ऐसा है मेरे को लिखना है, तो मैंने कहा यार पेन तो है मेरे पास बट जेल पेन है, बोला कोई बात नहीं सर बॉल पेन भी होता तो भी मैं आसानी से काम कर लूंगा। इसका मतलब बेटा ये गुड्स हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, बदलती है, इसकी जगह ये या उसकी जगह ये, कोई वांदे नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बट भाई साहब यहाँ प्रॉब्लम है, ये गुड हमेशा कैसे यूज होगी टुगेदर, ये हमेशा कैसे होगी रिप्लेस। बेटा इनके बीच में जो रिलेशन होता है, अगेन बड़ी बात कैसा होता है भाई साहब, डायरेक्ट। इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी। मेरा आपसे सवाल है, मैंने वहां पर एक चीज लिखी है बेटा, सब्स्टिट्यूट में रिलेशन कैसा होता है, क्यों होता है मुझे बताओगे? अगर एक एक की प्राइस बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है यार, टी एंड कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ा तो कस्टमर सोचेगा भाई सेम ही तो है इसको छोड़ो, इसकी डिमांड, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये दो तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, ये जो दोनों गुड्स है वो किसका पार्ट है बेटा, रिलेटेड गुड। पॉइंट नंबर सिक्स क्लियर हो गया, मैंने अभी तक बेटा आपको 6 पॉइंट्स बता दिए हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्राइस, सेकेंड वन इज इनकम, थर्ड वन इज फैशन, फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिफ्थ इज पॉपुलेशन एंड सिक्स्थ इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नोट कर लिया? आइए सर अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। आपको यार मालूम होगा कंज्यूमर बड़ा रैशनल होता है, कंज्यूमर बड़ा चालाक होता है, कंज्यूमर बड़ा डेंस होता है, कंज्यूमर वांट्स गुड्स एट लो प्राइस, राइट? वो बेटा कई बार इस पे भी गेम खेलता है, दैट इज एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस नियर फ्यूचर। मैंने पता क्या लिखा है, मैंने लिखा भाई कि फ्यूचर में अगर किसी चीज का प्राइस चेंज होने वाला है तो आपकी डिमांड करने की कैपेसिटी, और तेरे को पता लग जाए आज जो आईफोन तेरे को मिल रहा है 1,10,000 में, 10 दिन रुक जा यही फोन तेरे को 90,000 में मिलेगा, क्या भाई साहब आज आप डिमांड करेंगे? यू वॉन्ट टू स्लीप, आप सोएंगे, मजे लेंगे, बोलेंगे भाई 10 दिन निकल जाने दे, जब मेरे को 20,000 का फायदा हो रहा है तो मैं आसानी से उस समय खरीदूंगा। मतलब जब प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है तो आपकी फ्यूचर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, बट जो प्रेजेंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी बेटा कम। और रिवर्स हो जाए सर, आईफोन तो लेने जा रहे हो जिसकी कीमत 1,10,000 है, 10 दिन के बाद ये 1,30,000 होने वाला है, तो आप क्या करोगे?
भाई साहब बोलोगे आज ही खरीद लो क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में इसका प्राइस, समझ रहे हो? ये बेटा जो कस्टमर होता है ना, कंज्यूमर इज ऑलवेज शो देयर रैशनल बिहेवियर, ड्यू टू दैट फिनोमिना दे इज ऑलवेज कंपाइल दैट कि भाई साहब सस्ते में मजे ले लो, ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ड्यू टू दैट रीजन दिस फैक्टर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर डिमांड, समझ आया? तो अब मैं इन शॉर्ट तेरे को कहानी बताऊं तो बेटा सभी बच्चे समझने का कि भाई साहब हमने डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ ली, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, और क्या था बेटा? हाँ, जैसे पॉपुलेशन के बाद मैंने एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल बताए, ये सभी वो फैक्टर्स हैं, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो हमारी क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। बात क्लियर हो चुकी है? डन। अब मैं सर इन टॉपिक से हटकर एक नया टॉपिक बताने वाला हूं, शायद आपने सुना होगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। मालूम है? नहीं मालूम तो अब मालूम लग जाएगा। भाई साहब लॉ ऑफ डिमांड बड़ा ही इजी है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सर अगर ये बढ़ेगा तो कोई बात नहीं यार, इसकी मैं थोड़ी सी शर्म कर लूंगा, मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा, कम हो जाऊंगा। अगर मैं कम हो जाऊंगा तो कोई नहीं यार, मैं थोड़ी सा बढ़ जाऊंगा। मैंने क्या बोला समझे? कि अगर किसी कॉमोडिटी का क्या बढ़ता है, प्राइस, तो कस्टमर उसकी डिमांड, और प्राइस कम होता है तो डिमांड। बात समझ आ रही है? बट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। सर इसका मतलब क्या है? अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मतलब आजकल क्या? कुछ और के कौन से? करेक्ट, मैंने भी कुछ देर पहले डिमांड को इफेक्ट करने वाले 7 फैक्टर्स बताए ना, तो यहाँ जो डिमांड इफेक्ट हो रही है वो केवल एक ही फैक्टर से हो रही है, और वो फैक्टर कौन सा है? बाकी के जो फैक्टर्स हैं, चाहे भाई साहब वो इनकम हो, फैशन हो, टेस्ट हो, रिलेटेड गुड्स हो, पॉपुलेशन हो, वो सभी भाई साहब क्या हो? कॉन्स्टेंट, उनमें कोई चेंज। अगर केवल प्राइस की वजह से मेरी डिमांड चेंज हो रही है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे सर? बट अदर फैक्टर रिमेनिंग, दिस इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बच्चे बहुत सारे एरर क्या करते हैं, केवल ये बता देते हैं, और इसके बिना अगर बताओगे तो टीचर आपको भी बताएगा और वो नंबर आपको नहीं देगा, राइट? तो यू हैव टू राइट द करेक्ट एंड प्रॉपर स्टेटमेंट सो दैट टीचर गिव यू कंप्लीट मार्क्स ऑन द टॉपिक। भाई साहब इस लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए एक होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड क्या होता है बेटा? डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर प्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल एक कैसी प्रेजेंटेशन है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब समझते हो? जिसमें हम चीजों को टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ प्राइस दिखाया, और यहाँ क्या दिखाया बेटा? मान लो 10 के ऊपर कितने की डिमांड है, और बेटा जैसे ही प्राइस क्या हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? ये मैंने एक रफली शेड्यूल बना लिया, राइट? इस शेड्यूल का अगर मैं एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 50 है, ये 100, ये 150, ये 5, ये 10, और ये क्या बेटा? ये प्राइस है और ये डिमांड है। सर 10 के ऊपर कितने की डिमांड है? 100 का, 15 पर 50 और 5 पर 150। तो इन सबको ज्वाइन करके एक लाइन बना लेना, ये कर्व की शेप में बनेगा, दैट इज डिमांड कर्व, राइट? और पूरे चैप्टर का हीरो यही है, पूरे चैप्टर का जो मेन किरदार है ना वो डिमांड कर का ही है। आगे वाली क्लासेस में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो इसी के नेचर पढ़ेंगे, राइट? तो डिमांड कर्व समझ आ गया, लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर आपने इतने अच्छे से लॉ समझा दिया, क्या इस लॉ की कुछ अजम्पशंस भी हैं? अजम्पशन का मतलब समझता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन? लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने बोला सर मुझे 99.99% लाना है, मैंने बोला तेरे 100 दिलाऊंगा, बट तुझे मेरी कुछ बातें फॉलो। पहली बात है कि रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, दूसरी बात है रेगुलर मॉक टेस्ट देगा, तीसरी बात है क्लास असाइनमेंट देगा, चौथी बात है वर्कशीट देगा, पांचवी बात है रेगुलर स्टडी करेगा, छठी बात है एक्स्ट्रा डाउट लेगा, यूट्यूब वीडियो देखेगा, दुनिया भर की कंडीशन लगा दी। मैंने बोला जब तू इतना सारा कर लेगा तो तेरे 100 मार्क्स तो पक्के। तो भाई साहब ये लॉ भी कहता है कि
कि मेरी बातें नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। उसने बोला बता यार तेरी बात क्या है। इसने बोला भाई तेरी मेरी बात केवल इतनी सी है, क्या है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। केवल जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा वो एक ही फैक्टर करेगा, और वो फैक्टर कौन सा है, प्राइस। ओनली प्राइस इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मी, प्राइस के अलावा मैं किसी से परेशान नहीं हूंगा। प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो मैं बदलूंगा, और इस सिचुएशन को हम बोलेंगे लॉ ऑफ क्या बेटा, डिमांड। फटाफट इसे नोट कर लो। करो करो शाबाश बेटा। लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया, करो करो फटाफट शाबाश। लॉ ऑफ डिमांड में इंपोर्टेंट बात बता बेटा क्या थी। वो फैक्टर कौन सा है, प्राइस। बिल्कुल सही। आइए आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, सो दैट हम कंपाइल कर सकें। बेटा आज की क्लास का लास्ट है, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक डिफरेंस करा देता हूं आपको, इंक्रीज इन डिमांड। एग्जामिनर बहुत डालता है इस क्वेश्चन को, और बहुत सारे बच्चे बहुत गलत गलत ग्राफ भी बनाते हैं बेटा। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, और एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका जो अल्टरनेटिव नेम है दैट इज एक्सपेंशन इन क्या बेटा, डिमांड। तो मेरा एक बड़ा बुनियादी सा डिफरेंस है कि सर इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है। अच्छा मैंने ऊपर लिख दिया बेटा, दिखाई नहीं दे रहा, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, एक सेकेंड, अभी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ओके राइट, अब आपको बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। बच्चों एक डिफरेंस मैंने बोला है इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर एक्सपेंशन इन डिमांड। सर इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो केवल एक छोटी सी बात का है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, आप लोग शेड्यूल को देखें और टैबलर प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन करें और मुझे डिफरेंस बताएं। क्या दोनों शेड्यूल में कोई डिफरेंस है या दोनों कॉमन है बेटा, बताइए सर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम और सिमिलर, क्या डिफरेंस है। देखो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन डिमांड में बेटा प्राइस का लेवल रिमेनिंग क्या रहता है, उसके बावजूद भी मेरी डिमांड क्या हो रही है। तो मुझे एक बात बता, प्राइस नहीं बदल रहा और मेरी डिमांड बदल रही है, तो इसके पीछे कौन सा फैक्टर होगा, करेक्ट। इसके पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है बेटा, और ये अदर फैक्टर्स भी हमारे सब फेवरेबल हो गए हैं। कैसे हो गए हैं बेटा, फेवरेबल का मतलब है कि भाई साहब हो सकता है कि आपकी इनकम क्या हो गई हो सकता है कि मार्केट में फैशन कैसा आ गया हो, न्यू लेटेस्ट आ गया हो सकता है, तेरा फेवरेट टेस्ट मिल गया हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, मतलब अदर फैक्टर फेवरेबल हो जाए तो डिमांड, बट प्राइस रिमेनिंग क्या है। इसके यहां क्या हुआ, यहां पर प्राइस का लेवल क्या हुआ तो डिमांड क्या हुई, मतलब यहां जो डिमांड बढ़ा रहा है वो कौन सा फैक्टर बढ़ा रहा है, और यहां जो बढ़ा रहा है वो कौन बढ़ा रहा है, मतलब यहां जो इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो प्राइस कर रहा है, और वो भी बेटा प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और यहां बेटा अदर फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, यहां पर प्राइस रिमेनिंग क्या है बच्चों, यहां प्राइस क्या है सेम है कॉन्स्टेंट है, और यहां पर अदर फैक्टर्स क्या है, यहां पर अदर फैक्टर क्या है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो, एक में प्राइस का रोल है और एक में प्राइस का रोल नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत आने वाली है, कुछ इस तरीके से ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपको करना है।
फाइव टेन एंड फिफ्टीन, टेन के ऊपर हंड्रेड है, ये मेरा डिमांड है। टेन के ऊपर ही कितना है बेटा, हंड्रेड, तो ये मेरा डिमांड कर गया। तो सर डिमांड कर मेरा कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करूं, टेन के ऊपर हंड्रेड और फाइव के ऊपर बेटा वन फिफ्टी डाउनवर्ड, मेरा पॉइंट ए से मूव हो गया बी, जिसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, बिकॉज यहां पर गुड्स का प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, बट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग क्या है, कॉन्स्टेंट, और यहां प्राइस सेम है, बट कहानी समझ आ गई। इसमें बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो अदर फैक्टर कर रहा है, इसमें जो कर रहा है वो प्राइस कर रहा है, इसमें डिमांड कर राइट वर्ड जाएगा, इसमें डिमांड कर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस समझ आ चुका होगा, फटाफट नोट कर लो, आज हम लोगों ने डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। बच्चों डिमांड में भी बहुत सारी चीजें जो मुझे करानी है, नेक्स्ट वीडियोज नेक्स्ट क्लासेस में आपको सारी चीजें मिलती चली जाएंगी।